हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ अवर यूट्यूब जावा सीरीज। आज हम बात करेंगे अपने एप्लेट के ऊपर हम कैसे एक टेक्स्ट फील्ड को ऐड कर पाएंगे। टेक्स्ट फील्ड के साथ बटन से देंगे, बटन से कैसे हम ऐड करेंगे अपने एप्लेट के ऊपर। सबसे पहले तो जानने की हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है वो एक क्लास है जो हमारी AWT पैकेज के अंदर है। ओके, एंड हमने जो अभी तक पुराने प्रोग्राम्स बनाए थे उसमें हमने पेंट मेथड का यूज़ किया था कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि उसमें हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे ग्राफिक्स से एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसके थ्रू हम कुछ मेथड्स को कॉल करते थे, ड्रॉ स्ट्रिंग है, ड्रॉ रेक्टेंगल है, ड्रॉ लाइन है, राइट। लेकिन टेक्स्ट फील्ड को ड्रॉ करने के लिए हमें एक ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसे ड्रॉ कर सकते हैं। एंड तो हमें पेंट मेथड की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास और भी मेथड्स हैं, स्टार्ट है, इनिट है, तो हम इनिट में ही काम करेंगे। बिकॉज हमारा इनिट होता है वो सिर्फ एक ही बार कॉल होता है जब हमारा एप्लेट स्टार्ट होता है, राइट। ये तो आपने पहले ही पढ़ा था कि इनिट स्टार्ट में क्या डिफरेंस है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं सीधे। तो हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड इनिट। ओके गाइस, और सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट फील्ड का एक रेफरेंस बना लेते हैं। रेफरेंस बनाने के लिए लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड, यहाँ रेफरेंस किसी कोई नेम एक दे देते हैं, जिसने टेक्स्ट वन दे दिया। ओके, अब अपने मेथड के अंदर आ जाते हैं। तो हमने जो टेक्स्ट का रेफरेंस क्रिएट किया था, टेक्स्ट फील्ड का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, टेक्स्ट वन इक्वल टू, टेक्स्ट वन हमारा से रेफर करेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए, न्यू टेक्स्ट फील्ड, एंड यहाँ पे साइज देंगे पैरेंथेसिस में 20 में साइज दिया है, इसका मतलब भी 20 कैरेक्टर्स इनपुट हम इसमें कर सकते हैं। ओके गाइज, एंड नाउ हमें करना क्या है कि तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, अब इसे अपने एप्लेट पर ऐड करना है। तो हम लिखेंगे ऐड टेक्स्ट वन, और ये हमारे एप्लेट पर ऐड हो जाएगा। गाइज शेप करते हैं, एप्लेट डेमो डॉट जावा, डेस्कटॉप पर शेप कर देते हैं। ओके, अब इसे कंपाइल करेंगे, क्योंकि डेस्कटॉप पर सेव किया तो पहले डेस्कटॉप की डायरेक्टरी, एंड अब इसे कंपाइल करते हैं जावा एप्लेट डेमो डॉट जावा, ओप्स डॉट जावा, एंड ये सक्सेसफुल कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में। अब इसे रन करते हैं एप्लेट व्यूअर पर, एप्लेट व्यूअर एप्लेट डेमो डॉट जावा, और यहाँ पे हमारा एप्लेट जो है रन हुआ है और उसमें एक टेक्स्ट फील्ड इनपुट आ रहा है, इसमें कुछ भी इनपुट कर पाएंगे, राइट। तो ऐसे ही तो हमने किया एक टेक्स्ट फील्ड को एंटर। अब अगर हमें एक बटन यहाँ पे बटन भी बनाना था, तो बटन की भी क्लास होती है, पहले तो बटन का एक रेफरेंस बनाएंगे। मैंने बनाया बटन, बटन वन मैंने उसका नेम दे दिया, एंड अब सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही बटन का भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा बटन वन इक्वल टू न्यू बटन, और यहाँ पे जो हमें उस बटन के ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वो लिखेंगे, मैंने लिखा डिस्प्ले टेक्स्ट। ओके, एंड यहाँ पे सेमी कॉलन, और जैसे हमने टेक्स्ट फील्ड को ऐड किया था वैसे बटन को भी ऐड कर देंगे अपने लेआउट पर। तो लिखेंगे ऐड बटन वन, राइट। और अब इसे कंपाइल करते हैं फिर से एंड रन करेंगे, तो हमारे पास में इस बार एक बटन भी आ गया है जो भी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इसमें वर्किंग डाली नहीं है। और ये टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ कुछ इनपुट कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट का एक बटन है। ओके गाइस, तो अब हमारी नेक्स्ट क्लास है कि अगर हमें डायनामिकली, हाँ स्टैटिकली कुछ सेट करना है, हमारे टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू पहले सेट करनी है, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं टेक्स्ट वन सेट टेक्स्ट। यहाँ पे हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, प्लीज इनपुट योर टेक्स्ट हियर। ओके गाइस, और इसे शेप करेंगे, फिर से कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं, और यहाँ पे हमारा पहले से एक टेक्स्ट आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, प्लीज़ इनपुट योर टेक्स्ट हियर। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम टेक्स्ट बॉक्स और डिस्प्ले बटन्स के ऊपर बाद में बात करेंगे जब AWT क्लास डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें हम और चीज़ें देखेंगे कि हमारे टेक्स्ट फील्ड का हम कोऑर्डिनेट्स कैसे सेट करते हैं, हम इसे अपने अकॉर्डिंग जहाँ हम चाहें वैसे कहाँ सेट करेंगे, एंड बटन्स के बारे में और पढ़ेंगे। लेकिन AWT क्लास में अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।